एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आज है रामनवमी, तो आप सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में रामनवमी की बहुत ही बड़ी मान्यता है। आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान का जन्म हुआ था। श्री राम भगवान का जन्म चैत्र महीने के 9वीं तिथि को हुआ था और इस दिन कौशल्या माता जी ने राम भगवान को जन्म दिया था। कहा जाता है कि राजा दशरथ जी की 3 पत्नियों को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो इसी तिथि में उन्होंने बहुत ही बड़ा हवन किया था, तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी प्रसाद खाकर। इसलिए इस तिथि का बहुत ही बड़ी मान्यता है। इस तिथि में दोपहर लगन कर्क मेष सूर्य और 5 ग्रहों का शुभ संयोग भी हुआ था, शुभ दृष्टि पड़ी थी। इस तिथि का बहुत ही बड़ा मान है हमारे हिंदू धर्म के पुरातनों में। स्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस की रचना इसी शुभ मौके में की थी। रामनवमी की बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो आज के दिन आप भी अपने घरों में पूजा करिए और राम भगवान और श्री हनुमान जी के पूजा पाठ करिए। मैंने इस वीडियो में छोटी सी क्लिप शेयर की है आप लोगों के साथ और अपनी जानकारी भी आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ना रामनवमी के शुभ अवसर पर मैं भी आई हूँ अपने परिवार के साथ मंदिर दर्शन करने। यहाँ पे कॉलोनी में श्री हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर से सजावट की हुई है। चारों तरफ लाइट, भजन, कीर्तन सब कुछ चालू है। जाकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। रामनवमी के दिन आप भी जाइए अपने परिवार के साथ मंदिर और श्री हनुमान जी, राम जी और सभी देव देवताओं की पूजा करें। भगवान हर किसी की मनोकामना पूरी करें और उनकी फैमिली को स्वस्थ रखें, हैप्पी रखें और निरोग रखें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोग भी भगवान के दर्शन कीजिए। तब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।